নমস্তে আমার প্রিয় বাংলার ভাই ও বনেরা ইংরেজি নববর্ষের হার্দিক শুভকামনা एवं आसोनों मकर संक्रांति उपलक्ष्य अपना देर शुभेच्छा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखड़ जी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी मनसुख मांडविया जी यहां उपस्थित भारत सरकार के अन्य मंत्रीगण सांसदगण और बड़ी संख्या में यहां पधारे पश्चिम बंगाल के मेरे बहनों और भाइयों मां गंगा के सानिध्य में गंगा सागर के निकट देश की जल शक्ति के इस ऐतिहासिक प्रतीक पर इस समारोह का हिस्सा बनना हम सबके लिए एक अनन्य सौभाग्य की बात है आज का ये दिन कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के लिए इससे जुड़े लोगों के लिए यहां काम कर चुके साथियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है भारत में पोर्ट लेट डेवलपमेंट को नई ऊर्जा देने का भी मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता स्थापना के एक वर्ष में प्रवेश करने के लिए कोलकाता पोर्ट से जुड़े आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं साथियों थोड़ी देर पहले यहां आज के इस पल की गवाही देने वाले डाक टिकट जारी किए गए इसी के साथ इस ट्रस्ट के कर्मचारियों और यहां काम कर चुके हजारों पूर्व कर्मचारियों की पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए का चेक भी सौंपा गया विशेष रूप से 100 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ महानुभावों को सम्मानित करने का गौरव मुझे मिला कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से राष्ट्र सेवा करने वाले ऐसे तमाम महानुभावों को और उनके परिवारों को मैं नमन करता हूं उनके बेहतर भविष्य की कामना करता हूं साथियों इस पोर्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आज सैकड़ों करोड़ रुपयों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है आदिवासी बेटियों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए हॉस्टल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भी शिलान्यास हुआ है विकास की इन तमाम सुविधाओं के लिए भी पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों कोलकाता पोर्ट सिर्फ जहाजों के आने जाने का स्थान नहीं ये एक पूरे इतिहास को अपने आप में समेटे हुए हैं इस पोट ने भारत को विदेशी राज से स्वराज पाते हुए देखा है सत्याग्रह से लेकर स्वच्छाग्रह तक इस पोट ने देश को बदलते हुए देखा है ये पोर्ट सिर्फ मालवाहकों का ही स्थान नहीं रहा बल्कि देश और दुनिया पर छाप छोड़ने वाले ज्ञान वाहकों के चरण भी इस पोर्ट पर पड़े हैं अनेक मनुष्यों ने अनेक अवसरों पर यहीं से दुनिया के अपने सफर की शुरुआत की थी एक प्रकार से कोलकाता का ये पोर्ट भारत की औद्योगिक आध्यात्मिक और आत्मनिर्भरता की आकांक्षा का जीता जागता प्रतीक है ऐसे में जब ये पोर्ट डेढ़ में साल में प्रवेश कर रहा है तब इसको न्यू इंडिया के निर्माण का भी एक ऊर्जावान प्रतीक बनाना हम सबका दायित्व है पश्चिम बंगाल की देश की इसी भावना को नमन करते हुए मैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम भारत के औद्योगिकरण के प्रणेता बंगाल के विकास का सपना लेकर जीने वाले और एक देश एक विधान के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा करता हूं अब ये पोर्ट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाएगा साथियों बंगाल के सपूत डॉक्टर मुखर्जी ने देश में औद्योगिकरण की नींव रखी चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री सिंदरी फर्टिलाइजर कारखाना और दामोदर वैली कॉरपोरेशन ऐसे अनेक बड़ी परियोजनाओं के विकास में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और आज के इस अवसर पर मैं बाबा साहब आंबेडकर को भी याद करता हूं उन्हें नमन करता हूं डॉक्टर मुखर्जी और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर दोनों ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के लिए नई नई नीतियां दी थी नया विजन दिया था डॉक्टर मुखर्जी की बनाई पहली औद्योगिक नीति में देश के जल संसाधनों के उचित उपयोग पर जोर दिया गया था तो बाबा साहब ने देश की पहली जल संसाधन नीति और श्रमिकों से जुड़े कानूनों के निर्माण को लेकर अपने अनुभवों का उपयोग किया देश में नदी घाटी परियोजनाओं का डैम्स का पोर्ट्स का निर्माण तेजी से हो पाया तो इसका बड़ा श्रेय इन दोनों महान सपूतों को जाता है इन दोनों व्यक्तित्व ने देश के संसाधनों की शक्ति को समझा था उसे देश की जरूरतों के मुताबिक उपयोग करने पर जोर दिया था यही कोलकाता में 1944 में नई वाटर पॉलिसी को लेकर हुई कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने कहा था कि भारत की वाटरवेज पॉलिसी व्यापक होनी चाहिए इसमें सिंचाई बिजली और यातायात जैसे हर पहलू का समावेश होना चाहिए लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि डॉक्टर मुखर्जी और बाबा साहब के सरकार से हटने के बाद उनके सुझावों पर वैसा अमल नहीं किया गया जैसा किया जाना चाहिए था साथियों भारत के विशाल समुद्री सीमा लगभग साढ़े सात हजार किलोमीटर लंबी है दुनिया में समुद्र तट से जुड़ा होना आज भी बहुत बड़ी ताकत माना जाता है लैंडलॉक कंट्रीज अपने आप को कभी कभी असहाय महसूस करते हैं पुराने समय में भारत की भी एक बहुत बड़ी शक्ति थी गुजरात के लोथल पोर्ट से लेकर कोलकाता पोर्ट तक देखें तो भारत की लंबी कोस्टलाइन से पूरी दुनिया में व्यापार कारोबार होता था और सभ्यता संस्कृति का प्रसार भी साल 2014 के बाद भारत की इस शक्ति को फिर से मजबूत करने के लिए नए सिरे से सोचा गया नई ऊर्जा के साथ काम शुरू किया गया साथियों हमारी सरकार ये मानती है कि भारत के बंदरगाह भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार है और इसलिए सरकार ने कॉस्पर कनेक्टिविटी और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया सागरमाला परियोजना के तहत देश में मौजूद पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन और नए पोर्ट के डेवलपमेंट का काम लगातार किया जा रहा है। सड़क रेलमार्ग इंटरस्टेट वॉटरवेज और कोस्टल ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेटेड किया जा, जा रहा है ये परियोजना कोस्टल ट्रांसपोर्ट के जरिए माल ढुलाई को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है इस योजना के तहत करीब 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पौने 600 प्रोजेक्ट की पहचान की जा चुकी है इनमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और लगभग सवा सौ पूरे भी हो चुके हैं साथियों सरकार का प्रयास है कि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा फ्रेमवर्क आधुनिक और इंटीग्रेटेड हो हमारे देश में ट्रांसपोर्ट नीतियों में जो असंतुलन था उसे भी दूर किया जा रहा है इसमें भी पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट को इनलैंड वाटरवे यानी नदी जलमार्ग आधारित योजनाओं से विशेष लाभ हो रहा है और आने वाले समय में जल शक्ति के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का नेटवर्क भारत के विकास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में उभर करके आने वाला है बहनों और भाइयों कोलकाता तो जल से जुड़े विकास के मामले में और भी भाग्यशाली कोलकाता पोर्ट देश की समुद्री परिधि में भी है और नदी के नट पर भी स्थित है इस प्रकार से ये देश के भीतर और देश के बाहर के जलमार्गों की एक प्रकार से संगम स्थली है आप सभी भली भांति जानते हैं कि हल्दिया और बनारस हल्दिया और बनारस के बीच गंगा जी में जहाजों का चलन शुरू हो चुका है और मैं काशी का एमपी हूं इसलिए स्वाभाविक रूप से अब आपसे सीधा जुड़ चुका हूं देश के इस पहले आधुनिक इनलैंड वाटरवे को पूरी तरह से तैयार करने के लिए तेजी से काम चल रहा है इस वर्ष हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल और फरक्का में नेविगेशनल लॉक को तैयार करने का प्रयास है साल 2021 तक गंगा में बड़े जहाज भी चल सकें इसके लिए भी जरूरी गहराई बनाने का काम प्रगति पर है इसके, इसके साथ, साथ साथ गंगा जी को असम के पांडु और ब्रह्मपुत्रा से जोड़ने वाले इनलैंड वाटरवे टू पर भी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो चुका है नदी जलमार्ग की सुविधाओं के बनने से कोलकाता पोर्ट पूर्वी भारत के औद्योगिक सेंटर से तो जुड़ा ही है नेपाल बांग्लादेश भूटान और म्यांमार जैसे देशों के लिए व्यापार और आसान हुआ है साथियों देश के पोर्ट्स में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण कनेक्टिविटी की बेहतर व्यवस्था मैनेजमेंट में सुधार जैसे अनेक कदमों के कारण कार्गो के क्लियरेंस और उसके ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े समय में कमी आई टर्न अराउंड टाइम बीते पांच वर्ष में घटकर लगभग आधा हो गया ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सेवेंटी रैंक का सुधार हुआ है साथियों आने वाले समय में वाटर कनेक्टिविटी के विस्तार का बहुत अधिक लाभ पश्चिम बंगाल को होगा कोलकाता को होगा यहां के किसानों उद्योगों और श्रमिकों को होगा यहां के मेरे मछुआरे भाइयों बहनों को होगा हमारे मछुआरे भाई जल संपदा का पूरा इस्तेमाल कर पाए इसके लिए सरकार ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम चला रही इसके तहत उन्हीं क्षेत्र में वैल्यू एडिशन करने के साथ ही टॉलर्स के आधुनिकरण में भी मदद की जा रही किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मछुआरों को अब बैंकों से सस्ता और आसान ऋण भी उपलब्ध हो रहा है एक तरफ हमने अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया है उसी को ताकत देने वाला और उसी से अधिकतम फायदा लेने वाला अलग फिशरीज मिनिस्ट्री भी बनाई है यानी विकास को हम कहां ले जाना चाहते हैं किस दिशा में जाना चाहते हैं उसका संकेत इन रचनाओं में भी समायी साथियों पोर्ट लेड डेवलपमेंट एक व्यापक इकोसिस्टम का विकास करता है इस जल संपदा का उपयोग पर्यटन के लिए समुद्री पर्यटन नदी जल पर्यटन आजकल लोग क्रूज के लिए विदेशों में चले जाते हैं ये सारी चीजें हमारे यहां बहुत आसानी से विकास किया जा सकता है। सुखद संयोग है कि कल ही पश्चिम बंगाल की कला और संस्कृति से जुड़े बड़े सेंटर्स के आधुनिकरण की शुरुआत हुई और आज यहां वॉटर टूरिज्म से जुड़ी बड़ी स्कीम लॉन्च हुई है फ्रंट डेवलपमेंट योजना से पश्चिम बंगाल के टूरिज्म उद्योग को नया आयाम मिलने वाला है यहां 32 एकड़ जमीन पर जब गंगा जी के दर्शन के लिए आरामदायक सुविधाएं तैयार होगी तब इससे टूरिस्टों को भी लाभ मिलेगा बहनों और भाइयों सिर्फ कोलकाता में ही नहीं सरकार द्वारा पूरे देश में पोर्ट से जुड़े शहरों और क्लस्टर्स में एक्वेरियम वाटर पार्क सी म्यूजियम क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है केंद्र सरकार क्रूज आधारित पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है देश में क्रूज शिप की संख्या जो अभी 150 से करीब करीब 150 के आसपास है अब उसको हम एक हजार तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं इस विस्तार का लाभ पश्चिम बंगाल को भी अवश्य मिलने वाला है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को भी मिलने वाला है साथियों पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है विशेष तौर पर गरीबों दलितों वंचितों शोषितों और पिछड़ों के विकास के लिए समर्पित भाव से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में लगभग नब्बे लाख गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन मिला इसमें भी 35 लाख से अधिक बहनें दलित और आदिवासी परिवार से हैं जैसे ही राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना पीएम किसान सम्मान निधि के लिए स्वीकृति दे देगी मैं नहीं जानता हूं देगी कि नहीं देगी लेकिन अगर दे देगी तो यहां के लोगों को इन योजनाओं का लाभ भी मिलने लगेगा और वैसे मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत के तहत देश के करीब करीब 75 लाख करीब करीब 75 लाख गरीब मरीजों को गंभीर बीमारी की स्थिति में मुफ्त इलाज मिल चुका है और आप कल्पना कर सकते हैं जब गरीब बीमारी से जूझता है तब जीने की भी आस छोड़ देता है और जब गरीब को बीमारी से बचने का सहारा मिल जाता है तो उसके आशीर्वाद अनमोल होते हैं आज आज मैं चैन की नींद सो पाता हूं क्योंकि ऐसे गरीब परिवार लगातार आशीर्वाद बरसाते रहते इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के आठ करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में लगभग 43,000 करोड़ रुपए, तैतालीस हजार करोड़ रुपए सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनके खाते में जमा हो चुके कोई बिचौलिया नहीं कोई कट नहीं कोई सिंडिकेट नहीं और जब सीधा पहुंचता है कट मिलता नहीं सिंडिकेट का चलता नहीं ऐसी योजना कोई क्यों लागू करेगा देश के आठ करोड़ किसानों को इतनी बड़ी मदद लेकिन मेरे दिल में हमेशा दर्द रहेगा मैं हमेशा चाहूंगा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि नीति निर्धारकों को ईश्वर सद्बुद्धि दे और गरीबों को बीमारी में मदद के लिए आयुष्मान भारत योजना और किसानों की जिंदगी में सुख और शांति का रास्ता पक्का हो इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मेरे बंगाल के गरीबों को मिले मेरे बंगाल के किसानों को मिले और बंगाल की जनता का मिजाज मैं जानता हूं भांति जानता हूं बंगाल की जनता की ताकत है कि अब इन योजनाओं से लोगों को वंचित कोई नहीं रख पाएगा साथियों पश्चिम बंगाल के अनेक वीर अनेक वीर बेटे बेटियों ने जिस गांव गरीब के लिए आवाज उठाई उनका विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए एक किसी एक व्यक्ति की किसी एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष का सामूहिक संकल्प भी है सामूहिक दायित्व भी है और सामूहिक पुरुषार्थ भी है मुझे विश्वास है कि 21वीं सदी के नए दशक में जब दुनिया एक वैभवशाली भारत का इंतजार कर रही है तब हमारी ये सामूहिक प्रयास दुनिया को कभी निराश नहीं करेंगे कि हमारे प्रयास जरूर रंग लाएंगे इसी आत्मविश्वास के साथ 130 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति और उनके सामर्थ्य पर अप्रतिम श्रद्धा होने के कारण मैं भारत के उज्जवल भविष्य को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं और इसी विश्वास के भी साथ भी भी भी। आओ हम कर्तव्य पथ पर चले अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए आगे आए 130 तो करोड़ देशवासी जब अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो देश देखते ही देखते नई ऊंचाइयों को पार कर देता है इसी विश्वास के साथ एक बार फिर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 वर्ष के लिए और विकास परियोजना के लिए आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको पूरे पश्चिम बंगाल को यहां के महान परंपरा को नमन करते हुए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं बहुत बहुत बधाई देता हूं मेरे साथ ये धरती प्रेरणा की धरती देश को जगाने का सामर्थ्य रखने वाली धरती है यहां से पूरी ताकत से हमारे सपनों को समेटता हुआ नारा हम बोलेंगे दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की, है। है। भारत, माता की है। है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद